चलो, कहाँ तक बात कर रहे थे हम लोग? क्या हुआ क्या हुआ? किस क्लास के? फिजिक्स की क्लास चल रही है। हाँ नहीं, बैठ बैठिए बैठिए। अच्छा, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। कुछ गलत लिखे हो क्या जी? हाँ ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी ना? यूनियो बराबर कितना आया था? यूनियो इज इक्वल टू ए टू वन अपान बी टू वन इंटू वन अपान एन वन अपान एन टू बी वन टू अपान बी टू वन माइनस वन, यही आया था ना? इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा दिए थे? फिफ्थ, सिक्स। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। फिर एक चीज़ और यहाँ पर याद रखने की बहुत ज़रूरत है, जो हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग लेजर सिस्टम पढ़े, अपने ट्रांजिशन प्रोसेस को डिस्कस किए, तो वहाँ हम लोग एनर्जी लेवल्स बनाते थे। ऐसे यहाँ पर एक एनर्जी लेवल्स E1 रिप्रेजेंट करते थे, E2 रिप्रेजेंट करते थे। E1 हमारा ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करता था, E2 हमारा एक्साइटेड स्टेट रिप्रेजेंट करता था। एक्चुअल में जो ये E1 E2 क्या होता है? पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, जिसे कोई भी हम लोग एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? जैसे हम लोग कोई भी आर्बिटल है, कोई भी एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 1s, 2s, 2p, 3s, तो ये सब आर्बिटल्स होते हैं। तो सब आर्बिटल्स की, हर एक आर्बिटल्स की अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो भी वैल्यूज लिखी होती है, जैसे कहीं देखते हो हाइड्रोजन एटम का, देखते होंगे लाइमन सीरीज, पास्कल सीरीज, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे ना, तो हर एक एनर्जी लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उसको हम यहाँ से उसके एनर्जी पॉइंट रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसकी एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो E1 है, इस सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करना। सेम वही सिनेरियो, तो किसी भी हम लोग बात किए हैं कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो N1 से रिप्रेजेंट करते थे, और एक्साइटेड स्टेट में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है वो हम N2 से रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, कोई ये पूछे कि उस नंबर ऑफ आइटम जो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में N1, उसकी वैल्यूज कैसे निकल के आएगी? तो हम लोग वहाँ से निकालते हैं कि N1 की वैल्यू होती है N1 बराबर N0 एक्सपोनेंशियल E1 माइनस E1 अपान KT। ये ग्राउंड स्टेट का निकल गया। सेम इसी तरह फैशन में अगर हम एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ आइटम्स N2 की बात करें, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? N0 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 अपान KT। हमको चाहिए क्या? N1 अपान N2 चाहिए। तो पहले अगर हम N2 अपान N1 निकालें, तो इसके क्या हो जाएगा? N0 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 बाई KT अपान N0 एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपान KT। N0 कैंसिल आउट, दोनों एक्सपोनेंशियल e^a अपान e^b। क्या लिख सकते हो? e^a माइनस e^b लिख सकते हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस e^2 माइनस e^1 अपान KT लिख सकते हो। अब ये देखो, क्या इसको क्या लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल, जानते हो कि डेल्टा e बराबर क्या हो सकता है? e^2 माइनस e^1, यानी इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा ई, और इसी डेल्टा ई को क्या लिखते हो? H nu। यही ना प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी निकालते थे, इस प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो क्या आता था? E2 माइनस E1 अपान H। इसी फ्रीक्वेंसी का प्रोटॉन जब हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो जो हमारा ग्राउंड स्टेट में एटम्स था उस पर जब हम प्रोटॉन इंसिडेंट कराते थे, तो अपने मन से नहीं कराते थे, ये उन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर जिस फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का जो फोटॉन होता था वो हम ग्राउंड स्टेट वाले एटम को इंसिडेंट कराते थे। तो ग्राउंड स्टेट पे जो भी एटम रहता था उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था, एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता था? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था। तो वो सिनेरियो यहाँ पर होता था। तो यहाँ पर देखो, इस E2 माइनस E1 की जगह पर H nu लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना? E2 माइनस E1 की जगह पर डेल्टा ई लिख सकते हो, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? H nu, लेकिन माइनस H nu अपान KT। ये वैल्यूज किसकी आई?
एन टू अपान एन वन, इसी का अगर एन वन अपान एन टू निकलो तो क्या निकल सकते हो, एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस में हो जाएगा, एच न्यू अपान हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यू न्यू बराबर ए टू वन अपान बी टू वन इंटू वन अपान एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी और बी वन टू अपान बी टू वन माइनस वन, इक्वेशन नंबर सिक्स। अब फिर हम क्या करते हैं कि अपने इस एक्सप्रेशंस को हम लोग एक रिलेशन पढ़े होंगे, थर्मल फिजिक्स में भी पढ़ोगे और क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ाएगा वहाँ भी पढ़ोगे और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा वहाँ भी पढ़ोगे, फ्लैंक्स रेडिएशन लॉ और इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए हो। फ्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जब रेडिएशन पढ़ते हो तो वहाँ पर फ्लैंक्स ने अपना एक लॉ दिया था और उस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, उसके बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया था और उसका जो कंक्लूजन निकाला था कि यू न्यू बराबर एट पाई एच न्यू क्यूब अपान सी क्यूब इंटू वन अपान एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ये एक्सप्रेशन हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क निकल के आता था किसका, फ्लैंक रेडिएशन लॉ। तो अगर हम अपने एक्सप्रेशन नंबर सेवन जो हमारा लेजर सिस्टम से आया और इस फ्लैंक रेडिएशन लॉ से अगर हम अपने इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, ए टू वन अपान बी टू वन बराबर क्या मिलेगा, एट पाई एच न्यू क्यूब अपान सी क्यूब। यानी ये भी कह सकते हो कि इंक्लूडिंग दैट कि ए टू वन जो भी हमारा आइंस्टीन कोफिशियंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रिक्वेंसी न्यू क्यूब। यानी आइंस्टीन ने जब इस पे रिजल्ट दिया ट्रांजिशन प्रोसेस पे तो कुछ उससे उसकी फिजिक्स निकल के आई होगी ना, तो उसकी फिजिक्स का पहला कंक्लूडिंग रिमार्क है कि जो भी रेशियो होता है हमारे जो आइंस्टीन कोफिशियंट्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शिप होता है किसके, उस फ्रीक्वेंसी के न्यू क्यूब के। यानी कि फ्रीक्वेंसी के न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल में हमारा जो भी कोफिशियंट होता है वो वेरी करता है। दूसरा कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहाँ पर बी वन टू अपान बी टू वन की जगह पर क्या है, वन है ना, इसको क्या लिख सकते हो कि बी वन टू बराबर बी टू वन। यानी एक दूसरा कंक्लूडिंग रिमार्क निकला कि जो कोफिशियंट आइंस्टीन कोफिशियंट हमारा स्टिमुलेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का है वही सेम इक्वल हो जा रहा है आइंस्टीन कोफिशियंट ऑफ स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस का। तो ये दो बेसिकली मोन कंक्लूडिंग रिमार्क निकल के आते हैं, ठीक है। दूसरी एक और बात कि अगर हम इसको थोड़ा वैल्यूज, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज कभी कभी तुम लोगों के लेवल पे नहीं पूछा जाता है लेकिन जैसे ही एमएससी लेवल पे जाओगे तो एमएससी लेवल पे भी लेजर फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा और वहाँ जब पढ़ो जाएगा तो कंपटीशन में पूछता है कि अगर हम टेम्परेचर 1000 केल्विन कर दें और क्या कहा जाता है उसका रेशियो कर दें तो उसकी जो भी वैल्यूज है वो जो रेशियो आता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में इनकोहेरेंट रेडिएशंस आता है उसकी वैल्यूज निकाल के लाओ, तो तुम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा यहाँ से एच न्यू अपान क्यू टू की, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से एच न्यू अपान के टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एच की वैल्यू फ्लैंक्स कांस्टेंट होती है, सबको पता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 वो वैल्यूज रख दोगे, न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो दिया रहेगा, जो भी वैल्यूज डाटा दिया रहेगा, और के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसकी भी वैल्यू सबको पता होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर तुमको जिस टेम्परेचर पर निकालने का उसकी वैल्यू निकाला रहेगा, वहाँ से कैलकुलेट करके तुम इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाल लोगे और अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि बी वन टू अपन बी टू वन की वैल्यू किसके बराबर होती है, वन, तो यहाँ कुछ करना नहीं है और माइनस क्या हो जाएगा, वन, तो वहाँ से कंक्लूड कर दोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू तुमको कैलकुलेट हो जाएगी और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो रेंज होगा वो इनकोहेरेंट रेडिएशन में आता है, वहाँ से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यहाँ लिख लोगे तो उसके बाद फिर नोट करके उसको हम नोट करा देंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये था हमारा जैसे जो भी हम लोग ट्रांजिशन प्रोसेस पढ़े हो, तीन तरह के हम लोग ट्रांजिशन प्रोसेस बेसिकली पढ़े हैं, एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़े और दो इमिशन प्रोसेस पढ़े। इमिशन प्रोसेस में एक स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस था और एक स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस था।
अच्छा, स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो लेजर और मेजर का दोनों का क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। और कल उसको हम बेहतर तरीके से समझाए भी थे कि स्टिमुलेशन कैसे होता है, जो हम लोग बार बार डिफिनेशन देते हैं ना, फर्स्ट लेक्चर पे हम लोग तो ये डिफाइन नहीं, बस हम बता देते कि लेजर और मेजर का फुल फॉर्म याद रखो। उसके बाद बोले थे कि जब सारी चीज़ें कंक्लूडिंग हो जाएंगे उसके बाद फिर उस चीज़ को कोरिलेट करेंगे। तो देखो, लेजर का हम लोग फुल फॉर्म क्या बताए थे कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखो उसका मतलब, स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है वो कल के लेक्चर में समझ में आया कि अब उसमें क्या करते हो कि एक सिंगल फोटान जो इंसिडेंट फोटान होता है वो स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस करने के बाद दो सेम फ्रिक्वेंसी के फोटान में क्या हो जाता है, इमिटेड फोटान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और दोनों को जो फेज होता है वो क्या होता है, सेम फेज में होता है, या कह सकते हो जो इंसिडेंट फोटान होता है और जो इमिटेड फोटान होता है दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है स्टिमुलेशन इमिशन प्रोसेस। और यही स्टिमुलेशन प्रोसेस चाहे वो लेजर सिस्टम हो चाहे वो मेजर सिस्टम हो, दोनों का क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ तक तो टर्मिनोलॉजी थी कि हम सबसे पहले कि लेजर सिस्टम को जाने, मेजर सिस्टम को जाने, इसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको हम डिफरेंट स्टडी करते हैं कि नॉर्मल लाइट सोर्स की तरह इसको हम बिहेव नहीं करते हैं। तो क्या उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी, तो कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी थी, पहली वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दूसरी कोहरेंट होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, कोलिमेटेड होना चाहिए और हाई इंटेंस बीम होना चाहिए। और पांचों प्रॉपर्टी का मतलब भी समझ में आना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब उसके पास सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, तो एक कलर के पास एक वेवलेंथ होती है, तो मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब वो सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। दूसरा यूनिडायरेक्शनल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो लाइट बीम फ्लो होनी चाहिए। तीसरा कॉलीमेटेड, कॉलीमेटेड का मतलब बताए थे जब हम स्पेक्ट्रोमीटर पे करते हैं तो क्या करता है, पैरेलल लाइट बीम में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंगल स्लेट लगते होगे तो एक बारीक सा होल दिखता होगा और जब उसको ऑब्जर्व करते होगे टेलीस्कोप से तो कई सारी ऐसी लाइन्स तुमको दिखने लगती हैं। तो वही जो कॉलीमेटर का वर्क फंक्शन वही होता है, वो लाइट बीम्स को पैरेलल लाइट बीम्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर। तो वो भी प्रॉपर्टी हमारे लेजर के पास एग्जिस्ट होनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी कोहरेंट, कोहरेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि सोर्स हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल सोर्स होना चाहिए, अपने आप सारी चीज़ें एग्जिस्ट होने लगेंगी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि हाई इंटेंस बीम होना चाहिए, तब वो चीज़ें हमारी क्लोज। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी लाइट सोर्स के पास एग्जिस्ट कर रही हैं तब हम कहते हैं कि वो लाइट सोर्स हमारा क्या है, लेजर है या मेजर है। फिर हम लोग डिफाइन किए थे कि कब कहेंगे कि वो लेजर है और कब कहेंगे कि वो मेजर है। तो फिर उसका हम क्या चेक करते हैं, उसके वेवलेंथ का रीजन चेक करते हैं उस लाइट सोर्स के जिसके पास ये पांचों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर उसके वेवलेंथ का रीजन हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है हमारा उसमें कंपेयर करते हैं कि अगर अल्ट्रावायलेट रीजन से ऊपर के रीजन में लाई कर रही है तो वो जो हमारा मेजर है, अगर उससे नीचे के रीजन में लाई कर रही है तो हमारा लेजर है। यहाँ तक चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ कहाँ तक लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक लिखे थे ना। उसके बाद लिखो द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, एमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स is given by Boltzmann law, is given by Boltzmann law, Boltzmann law, comma, according to which the number of atoms N1 and N2, कैपिटल भी लिखना, कैपिटल N1 and N2 इन एनर्जी स्टेट्स E1 and E2
एट टेम्परेचर कैपिटल टी, एट टेम्परेचर कैपिटल टी इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये लिख लो, ऐसे लिख लो, ये दोनों लाइन लिखना, एन वन बराबर एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस ई वन अपान के टी एंड एन टू बराबर एन जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस ई टू अपान के टी। या इम्प्लाइज दैट एन टू अपान एन वन बराबर एन जीरो एक्सपोनेंशियल, या इसको लिख के या यहाँ तक लिख लो, ठीक है। इक्वेशन सिक्स तक दिए थे ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेवन। उसके बाद लिखना नाउ यूजिंग इक्वेशन सेवन तक लिख लेना, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेवन इन इक्वेशन सिक्स कमा वी हैव, ये लाइन लिख लेना, पूरा लिख जाओ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10 तक लिख जाओ। यहाँ तक लिख लेना ना, तो एक बताना इक्वेशन नंबर 9 तक जब लिख लो तो रुक जाओ। आपका फर्स्ट डे है, किस कॉलेज से हैं आप? इस्लामिया से। तो बाकी जो पिछला ये लोग नोट किए उसको नोट कर लीजिएगा, और डेली क्लास के बाद अगर चाहिए हमसे 5 मिनट 10 मिनट उस पर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी पिछला है बिना कुछ समझे, वैसे थोड़ा बहुत हिंट आज कर दिए हैं शुरू से ही, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे, उसको डिस्कस कर लीजिएगा और क्लास में तब कंटिन्यू आगे चलिए। हो गया, कहाँ तक लिख ली? इक्वेशन नंबर 9 तक हो गया। इसके बाद लिखो दैट इज द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन
स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेशन एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्यूब ऑफ द फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लिख देना न्यू क्यूब ब्रैकेट में लिख देना न्यू क्यूब फुल स्टॉप इट मीन्स दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इंक्रीजेज रैपिडली विथ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स ठीक है फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट लाइन से लिखना एंड B12 upon B21 = 1 implies that B12 = B21 equation number 10. हो गया उसके बाद लिखो दैट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इसको अंडरलाइन कर देना okay. यहां तक तो तुम्हारी बात हो गई कि आइंस्टीन क्या बोला क्या लिखे हो कि दैट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ठीक है B12 तो एब्जॉर्प्शन का B21 स्पॉन्टेनियस यहाँ तक तो आइंस्टीन का रिलेशनशिप है कई बार एग्जाम में आता है 5 नंबर में फिक्स है क्वेश्चन आता ही आता है कि आइंस्टीन का रिलेशनशिप बताइए तीनों ट्रांजिशन प्रोसेस के बीच में इसके बाद एक नोट करके लिखो कभी कोई 2 नंबर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेता है तो एक नोट करके लिखो वही जो कैलकुलेटिव पार्ट्स बता देते तो नोट करके लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन A21 upon B21 = 2 अब यहाँ पर देखो B12 B21 की जगह पे 1 लिख सकते हो ना तो 1 - 1 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट लिख सकते हो ना अच्छा इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हो e^(hν/kT-1) इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हो क्या e^-? बहुत छोटी सी चीज़ है बताओ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर B12 upon B21 तो क्लियर हो गया ये बाहर का ब्रैकेट में होता है ना अब ये देखो B12 upon B21 इसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है 1 - 1 खत्म हो गया वहाँ तुम्हें कोई समस्या ही नहीं है ठीक अच्छा ये बताओ अच्छा ये समस्या नहीं यहाँ से मान लो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं मान लो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देते हैं चूँकि ब्रैकेट में तो दोनों में मल्टीप्लाइड होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी वैल्यूज 1 हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये पूरे क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते
आ जाएगा ना। जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें, एच की वैल्यू भी निकाल लें, न्यू की वैल्यू भी निकाल लें, तो यानी कि सिंपल सा फंडा, इसको भी कैलकुलेट करने से पहले अगर हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू अपान के टी, इसकी पूरी वैल्यू निकाल लो, इसकी पूरी वैल्यूज निकाल लो और जो वैल्यूज आए उसको ले जाके यहाँ पर पुट कर दो, तो उसका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी और माइनस वन कर दोगे तो टोटल इस पूरे की वैल्यू निकल जाएगी और वहाँ से उसके रेंज के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या लिखे हो, हाँ ब्रैकेट में भी ना हो तो ये चीज़ वैल्यू वन है ना, वैल्यूज आई है ना, बी वन टू अपन बी टू वन की वैल्यू क्या है, वन है ना, तो वन माइनस वन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा कि नहीं ख़त्म हो जाएगा। अरे अकॉर्डिंग टू ये एक्सप्रेशन, हाँ अरे ये एक्सप्रेशन देखो, यही एक्सप्रेशन है ना तुम्हारा, यहाँ एक्सप्रेशन पे एन वन अपान एन टू की जगह पे क्या लिखे हो, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपान के टी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो मान लो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड, अच्छा वारी सॉरी 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 देखो गलती कर दी, अच्छा अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, गलत है, ये क्या है ए टू वन अपान बी टू वन यू न्यू बराबर तुम्हारा हो जाएगा वन अपान, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, देखो गलती हो गई था, हमसे ही गलती हो गई था, एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपान के टी और ये इसके साथ मल्टी होगा वन माइनस वन, ये होगा ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे क्या करो, एच न्यू अपान के टी, एच न्यू अपान के टी, अब यहाँ पे करोगे तो डायरेक्ट दिक्कत होगी, पहले एच न्यू अपान के टी की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद इस वैल्यूज को ले जाके यहाँ पे पुट कर दो और वहाँ से निकाल लो, तो एच न्यू लिख लो, इसके बाद नोट करके एक लिखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन एट कामा वी हैव, नाउ फ्रॉम इक्वेशन एट कामा वी हैव, तो ये लाइन लिख लो और यहाँ ब्रैकेट में करके लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना वेयर बी वन टू अपान बी टू वन बराबर वन, तभी ना उसकी उसी वजह से ही लिख पाए हो उसको, उसके बाद वो पहली लाइन लिखने के बाद लिखना इन द विजिबल रीजन, पहली लाइन लिखने के बाद लिखना इन द विजिबल रीजन विथ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स, विथ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स, ठीक है, जब ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स की बात करते हैं तो उस केस में जो एच न्यू की वैल्यू है इज मोर ग्रेटर देन के टी की होगी, ब्रैकेट में लिख लो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स, वहाँ ब्रैकेट में देखना उस केस में एच एन यू की वैल्यू मोर ग्रेटर देन किसके होती है, के टी की, एंड सो स्पॉन्टेनियस एमिशन इज फार या फेयर फार मोर प्रोबेबल देन, फार मोर प्रोबेबल देन स्टूमुलेटेड एमिशन, स्टूमुलेटेड एमिशन, ठीक है, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन्स लिखना, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स, एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल सोर्स कमा टेम्परेचर टी बराबर 10^3 केल्विन, टेम्परेचर टी बराबर कैपिटल टी बराबर 10^3 केल्विन, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 5 × 10^4 सेकेंड यूनिवर्स, टेम्परेचर जो टाइम पीरियड होता है उसी का जस्ट रिवर्स होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो सेकेंड यूनिवर्स, अच्छा इसी सेकेंड यूनिवर्स को एक और यूनिट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज,
तो कहीं कहीं हर्ट्ज लिखा होता, कहीं कहीं सेकंड यूनिवर्स भी लिखा होता। हर्ट्ज करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ, करेस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन पहले तो इसके वैल्यू निकालो, देन एच न्यू अपान के टी। तो एच की वैल्यू तुमको पता है, एच की वैल्यू कितनी होती है 6 पॉइंट, लिख लो सब लोग, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10^-34। यूनिट क्या होगी? जूल सेकंड। और न्यू की वैल्यू तुमको पता ही है, न्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो लिखे हो ना, 5×10^4 सेकंड यूनिवर्स। और किसकी? के की वैल्यू। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लिख लो, के इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.38 10^-23 जूल केल्विन यूनिवर्स, जूल केल्विन यूनिवर्स। और क्या है? टी, तो टी टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तुमको पता है 10^3 केल्विन। तो सारी वैल्यूज पता है ना, एच भी पता हो गया, न्यू भी पता हो गया, के भी पता हो गया, और टी भी पता। जरा सारा वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो कितनी आ रही है। एच की वैल्यू तुम्हारी 6.67 10^-34 जूल सेकेंड इंटू कितना है 5×10^4 सेकेंड यूनिवर्स अपान के 1.38 10^-24 जूल केल्विन यूनिवर्स इंटू 10^3 केल्विन। जरा इसको सॉल्व करो। अगर पावर बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो उसको एंगस्ट्रॉम या नैनो में चेंज कर देना, ठीक है, अगर माइनस में आ रहा होगा। करोगे कैलकुलेट कर लो सब लोग, चेक कर लो, लगभग वैल्यू आएगी एच न्यू अपॉन के टी इज नियरली अबाउट 24 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। कैलकुलेट करके देख लो आ रही है। आया कितना? नहीं, गलत आ रहा था, 24 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स में आएगा, 24 एंगस्ट्रॉम। अरे ऊपर आया होगा तुम्हारा 6.67 है ना, और इंटू 5 है तो कितना हो गया, और नीचे कितना है 1.38 है, सारा पावर एक साथ कर दो, तो ऊपर सारा पावर एक साथ करोगे तो ऊपर पावर कितना है 4 है और 34 है तो -30 हो गया, ऊपर -30 और नीचे से 23 ऊपर जाएगा, +23 और -3 ये पावर जाएगा, तो पावर 10^-10 आ जाएगा। -10 मतलब एंगस्ट्रॉम, मान लो उसको एक एंगस्ट्रॉम हो गया। अब इधर वैल्यूज कैलकुलेट करो, तो इस इधर कितना है 6.67 × 5/1.38 तो लगभग कितना आएगा, तो 6×5=30, 33/3 तो 24 अप्रॉक्स तो आ रहा है, कहाँ आ रहा है ना, हाँ आएगा 24 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग उसके आ रही हो। फिर लिखो दिस गिव्स
सॉल्व कर लेना, यहाँ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू 24 एंगस्ट्रॉम, इसलिए यहाँ देखो इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसको लिखने के बाद दिस गिव्स ए टू वन अपान बी टू वन यू न्यू बराबर 1 अपान e टू द पावर 24 एंगस्ट्रॉम माइनस 1, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके डायरेक्ट इधर लिखोगे 10 टू द पावर 10 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम है, माइनस जाएगा ऊपर से प्लस हो जाता है 10 टू द पावर, यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखने की 24 लिखने की जरूरत है, एक्सपोनेंशियल लिखने की जरूरत है, अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर 10 आ जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो दस अरे ये है नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, ये इक्वेशन ना, ये इक्वेशन देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो ए टू वन अपान बी टू वन यू न्यू हो गया कि नहीं, इन टू क्या हो जाए, अच्छा जी यहाँ पे ये इसके साथ है ना, अगर यहाँ पे करो अजी सही, अच्छा गलत, ये देखो यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ यहाँ पे हमसे ध्यान ही नहीं दे, अभी ध्यान दे रहे हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ नीचे होगी, ये एक्सपोनेंशियल उधर चल जाएगा, ये वन वाला टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वन वाला पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला वाला टर्म बचेगा, एक्सपोनेंशियल कितना बचेगा 24 माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। कभी दस फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कमा द इमिशन इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड हेंस द emitted light is and hence the emitted light is कहाँ तक लिखो, thus from ordinary light waves source comma the emission is predominantly due to spontaneous emission and hence the emitted light is incoherent, underline that emitted light is incoherent। ये नोट करके जो लिखा है ना, ये तुम्हारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट बस आइंस्टीन रिलेशन सब सिर्फ तक ही है, लेकिन ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में एमएससी लेवल में 2 नंबर में 5 नंबर पूछ लेता है कि व्हाई आइडेंटिटी सोर्स ऑफ लाइट इज इनकोहरेंट, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाई आइडेंटिटी सोर्स ऑफ लाइट इज इनकोहरेंट, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए कभी अगर पूछ लेता है तो ये चीज़ कर देना, न्यूमेरिकली उसको करके दिखा देना, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में पूछा नहीं, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन बाय द वे जो कि ट्रेंड है, जैसे बन रहा है, नए टीचर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो एक ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कभी भी पूछ सकते हैं कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाई आइडेंटिटी सोर्स ऑफ लाइट इज इनकोहेरेंट, तो इनकोहेरेंट करने के लिए आपको ये न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेट करके दिखा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जब अभी तक जो भी पार्ट पूछा हुआ है बस वही आइंस्टीन रिलेशन सब तक ही पूछा है, वहीं तक हमारा सिलेबस। चलो यहाँ तक तो बात हो गई बस ट्रांजिशन प्रोसेस, और उस सारे प्रोसेस पे आइंस्टीन ने अपना क्या वर्क दिया था। अब इसके बाद थोड़ा सा लेजर में और अंदर चलते हैं, तब वहाँ पर सबसे पहले बात आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या चीज़ होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि
कोई भी लेजर है वो लेजर एक्शन उसमें तभी पॉसिबल होता है, कोई भी लेजर हो, चाहे वो अभी आगे पढ़ोगे हीलियम नियॉन लेजर की बात करोगे, रूबी लेजर की बात करोगे, किसी भी तरह का कोई भी लेजर एक्शन तभी पॉसिबल होता है जब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन इसीलिए किसी भी लेजर के वर्क फंक्शनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, कब हम कहते हैं कि किसी भी लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है, कि जैसे हम लोग दो स्टेट्स के बारे में जनरली बात करते हैं ना, एक क्या बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट और एक हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको हम स्टेट वन का नाम देते हैं, इसको स्टेट टू का नाम देते हैं, इसको E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेट हुआ करता है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हुआ करता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग एक और नाम देते हैं, किसी किसी बुक में लिखता है शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट। ठीक है, इस एक्साइटेड स्टेट में किसी भी एटम के रुकने की जो लाइफ टाइम होती है वो 10^-9 से लेकर 10^-3 सेकेंड, या जनरली हम लोग अगर बुक में देखते होंगे 10^-8 सेकेंड तक होती है, जो भी किसी एटम के एक्साइटेड स्टेट में रुकने की लाइफ टाइम होती है। यहाँ तक चीज़ें हम बात कर लिए थे। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेजर सिस्टम में बस दो ही स्टेट हों, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद अभी जब पॉपुलेशन इन्वर्जन बात करेंगे तो वहाँ पर एक स्टेट और लाई करता है जो कि जस्ट बिलो द एक्साइटेड स्टेट होता है, और वो भी एक एक्साइटेड स्टेट ही होता है, यानी कि उस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर एक जस्ट बिलो द एक्साइटेड स्टेट, यानी E3 स्टेट की बात करो, या इसको E2 कर दो, उसको E3 कर दो, स्टेट 2 कर दो, इसको 3 कर दो। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, जो कि जस्ट बिलो किसके होता है एक्साइटेड स्टेट के, यानी ये दोनों कैटेगरीज हमारी किसके आती है एक्साइटेड स्टेट में आती है। और यहाँ पर किसी भी एटम के जो रुकने की लाइफ टाइम होती है वो 10^-3 सेकेंड होती है, 10^-3 सेकेंड होती है, जो कि 10^5 टाइम्स ज़्यादा समय तक एज कंपेरिजन टू एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर स्टे करता है। कोई भी एटम जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के जितना समय वहाँ पर रुकता है, जनरली हम लोग बोलते हैं 10^-8 सेकंड में स्टे करता है, और उसके कंपैरिजन में जो मेटास्टेबल स्टेट में कोई भी एटम स्टे करता है उसके कंपैरिजन में 10^5 टाइम्स ज़्यादा समय तक स्टे करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है, N1 है, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या N2। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमको मिल जाए एनी हाउ पूरे लेजर एक्शन में, चाहे वो कोई भी लेजर सिस्टम हो, अगर कहीं हमको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से एक्सीड कर जाए, यानी कि वह सिचुएशन कि जब नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से एक्सीड कर जाए, तब हम कहते हैं कि उस सिस्टम में जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो अचीव हो गया। और जिस किसी भी लेजर एक्शन में, किसी भी लेजर में अगर लेजर एक्शन पॉसिबल होगा तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने का सेंस है कि उस लेजर के एक्साइटेड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या क्या हो जाए, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से एक्सीड हो। क्योंकि सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ, ग्राउंड स्टेट में होंगे ना, ग्राउंड स्टेट से एटम एक्साइट करेगा तो एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर कम से कम इतने समय तक वहाँ पर स्टे करेगा वो एटम,
स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद वो एटम क्या करेगा, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ नहीं पाएगा। यानी पहले तो ग्राउंड स्टेट में एटम था, ठीक, ग्राउंड स्टेट में एटम क्या किया, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस हुआ, सॉरी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस किया। ये ग्राउंड वाला एटम कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या करेगा, कम से कम 10^-8 सेकेंड तक स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो जब टू लेवल जो सिस्टम था वापस वो ग्राउंड स्टेट में स्टिमुलेशन एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता था, लेकिन अब इसके बीच में एक स्टेट और लाई कर रहा है। तो ऐसा कोई भी सिलेक्शन रूल हमारे पास नहीं बना है कि डायरेक्ट इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ऐसा कोई भी सिलेक्शन रूल हमारे पास नहीं है। अभी सिलेक्शन रूल क्या होता है, जब हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, तो जब एटम के स्पेक्ट्रा से पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे कई सारी एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करेंगे, और किसी भी एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन शो करेंगे, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, तो वहाँ बताएंगे कि ये हम लोग डिसाइड करते हैं एक सिलेक्शन रूल के बेसिस पर। हर एक एनर्जी लेवल्स का एक सिलेक्शन रूल्स होता है, और उस सिलेक्शन रूल में वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो वहाँ के क्लेरिफाई करने पर हम ऐसा हमारे पास कोई भी सिलेक्शन रूल नहीं है जो स्टेट थर्ड से डायरेक्ट स्टेट वन में आ जाए। तब क्या होगा, एटम क्या करेगा जो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अच्छा ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रहा है ये कैसे अचीव होता है, कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसके लिए एक पंपिंग प्रोसेस होता है। अभी आगे इस टॉपिक के बाद शुरू करेंगे पंपिंग क्या होता है। पंपिंग मतलब कि अचीव करना, उसको हम उतनी सप्लाई देना, वो पंपिंग प्रोसेस करके पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव ही करता है पंपिंग प्रोसेस। और वो पंपिंग डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पंपिंग होती है। जैसे हम रूबी लेजर की जब बात करेंगे, जो कि थ्री लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड होता है, थ्री लेवल लेजर सिस्टम मतलब इस सिस्टम पे पूरा वर्क करता है। अभी जो मैकेनिज्म समझोगे ये पूरा का पूरा रूबी लेजर का भी मैकेनिज्म सेम इसी तरह का होगा ऐसे ही। लेकिन जो रूबी लेजर होता है वो ऑप्टिकल पंपिंग शो करता है। ऐसे ही जो हमारा हीलियम नियॉन लेजर पढ़ोगे, फोर्थ लेवल हमारे सिलेबस में दो ही है, एक रूबी और एक हीलियम नियॉन, तो हीलियम नियॉन लेजर वो फोर लेवल लेजर सिस्टम पे वर्क करता है, और उसमें जो पंपिंग प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग होता है। अब देखो कितनी चेंज है, ऐसा नहीं कि बस दो ही तरह का, और भी होता है, केमिकल रिएक्शन से पंपिंग होता है। तो ऑप्टिकल पंपिंग में क्या करते हैं, जो भी ग्राउंड स्टेट पे एटम्स होता है उसके ऊपर फ्लैशेज ऑफ लाइट्स डालते हैं। तो लाइट्स भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है। तो जब फ्लैशेज ऑफ लाइट्स डालते हो तो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके वापस से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक तरह की ये जो पंपिंग प्रोसेस होता है, इस तरह की पंपिंग को हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं। जो हीलियम नियॉन लेजर में होता है इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इलेक्ट्रोड लगाते हैं वहाँ पर सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं जो ग्राउंड स्टेट में आता है एक दूसरे से एक्सेलरेट करने लगे, और एक्सेलरेट करके दूसरा एटम हीलियम एटम को एक्साइट कर देते, और हीलियम एटम एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता। तो वो जो पंपिंग होती है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग होती है। ऐसे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेजर पढ़ोगे तो वहाँ जो होती है वो कैसी होती है, तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन से पंपिंग, जैसे CNO2 कई तरह के लेजर होते हैं हमारे सिलेबस में, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन से पंपिंग होती है। केमिकल रिएक्शन होता है एक्साइट होकर वो उस एक्साइटेड स्टेट पहुँच जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेजर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पंपिंग होती है। हमारे सिलेबस में दो ही तरह के लेजर सिस्टम हमको पढ़ने हैं, एक थ्री लेवल लेजर सिस्टम पे बेस्ड जो कि रूबी लेजर है जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग होती है, और एक फोर लेवल लेजर सिस्टम पे जो हीलियम नियॉन लेजर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग होती है। पंपिंग का मतलब बस इतना ही है कि एनी हाउ हम ग्राउंड स्टेट में जो एटम है उसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी तुमको मिलेगी ना कि इस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या इस ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से एक्सीड कर जाएगा, और जैसे ही वो सिचुएशन तुमको दिखाई देगी तुम कहोगे कि उस लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया है, और वो लेजर एक्शन होने के लिए अप्लीकेबल है। और लेजर एक्शन तभी होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। तो अब देखो क्या होगा, कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स था और उसको हम एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, 10^-8 सेकेंड तक स्टे करेगा। स्टे करने के बाद वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो हमारे पास कोई ऐसा सिलेक्शन रूल नहीं है कि जो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो उसके बाद ये एटम जो एक्साइटेड स्टेट में था ये क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस करेगा।
स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस करेगा, ये जो पूरा का पूरा रेडिएशन होता है ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट्स में इतने समय तक स्टे करने के बाद एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके कहाँ चलाएगा, मेटास्टेबल स्टेट में चलाएगा। और मेटास्टेबल स्टेट में क्या करेगा, आने के बाद 10^-3 सेकेंड तक स्टे करेगा। अच्छा, ये समय बहुत कम होता है, मतलब चला भी आएगा और आ जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। 10^-3 सेकेंड तक स्टे करेगा। उसके बाद जब यह स्टे करेगा तो कुछ देर बाद सिचुएशन ऐसी मिलेगी ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, दोनों पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है, N2 है। ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या N1 है। तो कुछ समय बाद इस मेटा स्टेबल स्टेट में तुमको सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी ना कि जब इस मेटा स्टेबल स्टेट में पहले स्टार्टिंग में तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ज़्यादा होगी, धीरे धीरे ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा। तो कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, यानी N2 इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, N1 के हो जाएगा। जैसे ही ये सिचुएशन हमको दिखाई देगी हम कहेंगे कि हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया है, अचीव हो गया है। और किसी भी लेजर में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है तो वो लेजर एक्शन होने के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। और कोई भी लेजर है जब तक लेजर एक्शन नहीं होगा तब तक उसकी हम फिजिक्स, उसकी कहानी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ में आए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि किसी भी लेजर एक्शन होने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये कब होगा कि जब एक्साइटेड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या से कंपैरिजन में क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। ठीक है, चलो इसको फिर कल नोट करेंगे, उसके आगे एक बारे में बात करेंगे। जो नए लोग हैं वो पूरा जितना लिखाया गया है, अभी ज़्यादा एक दो ही लेक्चर, तीन लेक्चर हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार पढ़ लेगा खुद से, नहीं समझ हमसे डिस्कस कर लेगा, तब आगे की तरफ अप्रोच करेगा। और जिसको जहाँ भी डाउट हो, चीज़ें नहीं समझ में आए, क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाहर भी कर सकते हैं।